गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द और वाक्य। तो शब्दों के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं शब्दों और वाक्यों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वर्णों को मिलाकर आपको शब्द बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो किसको कहेंगे शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को। सार्थक मतलब सही मेल, जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। ऐसा मेल या इस तरह से मिलाना कि उनमें कोई अर्थ निकले, उनके मिलाने से वो हो जाएंगे शब्द। अब बच्चों, शब्द के भी यहाँ दो भाग दिए हुए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। कितने वेद बताए हुए हैं शब्दों के? दो वेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम देखेंगे सार्थक किसको कहते हैं और निरर्थक किसको कहते हैं। सार्थक में क्या होगा? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। सार्थक क्या हो गए? जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कि उनके नाम से, जैसे उनका नाम लिया जाएगा आप समझ जाओगे कि किस चीज़ का नाम है, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को तो क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक क्या हो गए? कि जिनका, जब आप उनको बोलो एक साथ तो कोई अर्थ ना निकले, या हम किसी भी चीज़ की पहचान ना कर पाएँ, ठीक है। जैसे सार्थक में थे पुस्तक। अब पुस्तक नाम से हमें पता है भाई किताब की बात हो रही है। नदी से भी हम समझ जाएंगे, ठीक है, फल से भी हम समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ निरर्थक शब्द दिए गए हैं, जैसे पुस्तक। पुस्तक किसके? पुस्तक हो गया। अब पुस्तक तो कोई भी किसी चीज़ का नाम नहीं है। नदी की जगह वदी, वदी भी किसी का नाम नहीं है, ठीक है। फल की जगह वल, वल भी किसी चीज़ को नहीं कहते। तो इस तरह से जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले वो सार्थक हो गए, जिनका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं वाक्य की। दो या देखो, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर तो शब्द बने थे, अब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य बनेंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के उचित मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। परंतु जिस प्रकार शब्दों का अर्थ होना आवश्यक जरूरी होता है बेटा, उसी तरह से वाक्य भी आपको ऐसे बनाने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है। यदि शब्दों के मेल से बात स्पष्ट नहीं हो पाती तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। यदि आपके जो शब्द हैं वो आप इस तरीके से लिख रहे हो वाक्य बनाने के लिए कि उनसे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो क्या आप अपनी बात समझा पाओगे, बता पाओगे? नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, बच्चा दूध पीता है। यहाँ ये देखो, चार आपके शब्दों से मिलकर ये एक वाक्य बना है। पहला शब्द है बच्चा, उसके बाद दूध, उसके बाद पीता, और उस लास्ट में है। चार शब्दों से मिलकर बन गया आपका, ठीक है, बच्चा दूध पीता है। देखिए यहाँ शब्द थे, इन शब्दों को इस तरीके से जोड़ा और ये आपका क्या बन गया? अब वाक्य बन गया, बच्चा दूध पीता है। तो इन शब्दों के मेल से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अर्थात ये वाक्य है, ठीक है। हमें अर्थ पता चल रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है? वाक्य है। अब दूसरी तरफ है बच्चा पीता दूध। ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वाक्य नहीं है सही से। या पीता बच्चा है दूध, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो जो शब्द है वो भी सही जगह पर और सही क्रम में होने आवश्यक है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहेंगे। दो या दो से अधिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चार शब्द थे आपके, तो चार शब्दों के मेल को हमने क्या बोला था? वाक्य, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ाया? शब्द और वाक्य। शब्द किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द के बच्चों दो प्रकार बताए हुए हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक क्या बताए थे? जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, जिन शब्द का। निरर्थक, जिनका कोई भी अर्थ ना निकले, जो बेकार हों। उसके बाद वाक्य। वाक्य किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है सार्थक, उसको वाक्य बोला जाता है, ठीक है।
और वाक्य भी इसमें क्या है कि सही तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वाक्य में जो शब्द है वो हम किसी भी तरीके से लगा दें, ठीक है। शब्दों को वाक्यों के अंदर इस तरह से लिखना है कि उनका कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट हो। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हमें अभ्यास दिया गया है। पहला है, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है। और वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से, वर्णों से या दोनों से? तो वाक्यों का निर्माण बच्चों शब्दों से होता है। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है, सार्थक कौन सा है? कमल, क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब जो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उनको इसमें से देखेंगे, और नीचे दो बॉक्स हैं, एक सार्थक है एक निरर्थक है। जो सार्थक शब्द है जिनकी कोई ना कोई अर्थ निकलता है उनको तो हम कहाँ लिख देंगे? सार्थक वाले बॉक्स में। और जहाँ पर निरर्थक शब्द लिखा है उसके नीचे हम किसको लेंगे? और ऐसे शब्दों को जो निरर्थक है, जिनका कोई भी अर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर कि वाक्य दिया गया है, लेकिन उसको क्या कर दिया, वाक्यों को जो शब्द है उनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आपको सही से लिखना है। तो हमने देखो, है राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ की। क्या लिखेंगे इसमें हम? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। अब है, नाम है कपिल मेरा, तो मेरा नाम कपिल है, ये सही तरीके से लिखना होता है, ठीक है, जिससे कि पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। लड़की है रिया एक अच्छी, तो रिया एक अच्छी लड़की है। देर बहुत गई है हो, तो बहुत देर हो गई है। आगे, नीरज के पास एक तोता है। इस तरीके से क्या करना है आपको? इनको लिखना है और पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा पार्ट था शब्द और वाक्य का। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास भरेंगे। धन्यवाद।